गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग ने पजल टाइम भी पढ़ लिया था। आज हम लोगों को प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक है, जो कि हमारा लेसन 5 है, प्रोनाउन। पेज नंबर बुक का पेज नंबर 2828 ओपन करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। नाउन जो होते हैं उनकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्रोनाउन्स आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दे हेल्प अस नॉट टू रिपीट द यूज ऑफ द सेम नाउन। मतलब ऐसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसमें जगह जगह नाउन रिपीट हो रहा है, तो उसको रिपीट ना करना पड़े तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम, जैसे कुछ लिख रहे हैं राम राम हर जगह आ रहा है, तो उसकी जगह पे राम की जगह पे ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे आई यू ही शी इट मी हिम एंड हर, ये सब सिंगुलर नाउन है, है ना। और वी यू दे अस, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। नहीं, मैंने नाउन बोला ना, नाउन नहीं, प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना। तो चलो आप लोग अपनी कॉपी ओपन करेंगे और लिखेंगे, प्रोनाउंस लिखेंगे, ऊपर लेसन लिख लेंगे, लेसन 5। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लेसन 5, और जिस डेट में काम करेंगे वो डेट लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, व्हाट आर प्रोनाउंस, व्हाट आर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउंस, दे हेल्प अस नॉट टू रिपीट द यूज ऑफ द सेम नाउन, ठीक है। वो हमें हेल्प करते हैं कि हमें सेम नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। फिर से देखो, प्रोनाउंस आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, दे हेल्प अस नॉट टू रिपीट द यूज ऑफ द सेम नाउन, ठीक। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंगुलर प्रोनाउंस, व्हाट आर सिंगुलर प्रोनाउंस। आई यू ही शी इट मी हिम, आई यू ही, देखो सब में आई के बाद कॉमा, यू के बाद कॉमा, ही के बाद कॉमा, शी के बाद कॉमा, इट कॉमा, मी कॉमा, हिम एंड हर आर सिंगुलर प्रोनाउंस। ये सब क्या है, सिंगुलर प्रोनाउंस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लूरल प्रोनाउंस। देखो वी कॉमा यू कॉमा दे कॉमा अस एंड देम आर प्लूरल प्रोनाउंस, ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस है। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था व्हाट आर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउंस, दे हेल्प अस नॉट टू रिपीट द यूज ऑफ द सेम नाउन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंगुलर प्रोनाउंस, आई यू ही शी इट मी हिम एंड हर आर सिंगुलर प्रोनाउंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लूरल प्रोनाउंस, वी यू दे अस एंड देम आर प्लूरल प्रोनाउंस, ठीक, ये हो गया। तो चलो अब हम लोग बुक पे काम करते हैं, है ना। तो बुक में आप लोग पेज नंबर 2828 ओपन करेंगे, ठीक है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, द टीचर इज इन द क्लास, है ना, द टीचर इज इन द क्लास डैश इज टीचिंग, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग ही भी लगा सकते हैं और इज भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं और हम लोग ही भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ही और शी दोनों का यूज यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, द टीचर इज इन द क्लास, ही इज टीचिंग डैश आस्क्ड हिज फादर फॉर अ न्यू पेन। यहाँ पर भी ये देखो, ही आस्क्ड ask his यहाँ पर दे दिया, इसलिए ही लिखना था, father for a new pen। dash brought the dog to the park with us,
वी ब्रॉट द डॉग टू द पार्क विद अस, अस है ना, तो यहाँ पे वी होगा। डैश आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स, एस लगा है, प्लूरल फॉर्म है ना। डैश इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये बुक सिंगुलर है, तो यहाँ पर दिस लगा सकते हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, कॉपी का काम भी कंप्लीट कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय।